न्यू टॉपिक लीव एंड कैशमेंट सर इसका सेक्शन है टेन टेन डबल ए टेन टेन डबल ए पहले देख लेते हैं सर लीव एनकेशमेंट क्या होता है ठीक है न्यू टॉपिक मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हो किसी एक्स वाई जेड लिमिटेड में आप काम कर रहे हो और आप एम्प्लॉय मिस्टर राम और मान लेते हैं आप हो एम्प्लॉयी मिस्टर राम मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं क्या प्रोसीजर जॉब जब इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो कैसे आपका जॉब का सिलेक्शन रहता है क्या क्या पूछते हैं ये मान लेते हैं मिस्टर एक्स वो एम्प्लॉयर है वो क्या है एम्प्लॉयर है ठीक है ना अब देखिए होता क्या है आप गए जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए ऑनर के पास गए वो जो भी पूछा वही कॉमन क्वेश्चन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो पहले कहां काम करते थे वो सब तो था ही आपका सलेक्शन जब हो जाएगा तो फिर एम्प्लॉयर आप पूछोगे एम्प्लॉयर से यानी जो आप हो आप एम्प्लॉयर से कुछ क्वेश्चन पूछोगे सर हमें ये बता दीजिए एक तो सैलरी तो कितनी है ये तो प्रायोरिटी है यह कि भैया सैलरी तो बताओ दूसरा छुट्टी किस दिन रहेगी तो एम्प्लॉयर कहेगा आपको आपकी छुट्टी रहेगी कब क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में संडे ही होता है सैटरडे भी होता है कहीं सैटरडे संडे होता है कहीं पे वेडनेसडे होता, होता है कहीं मंडे होता है डिपेंड करता है कि कहाँ है उसने बोला संडे छुट्टी होगी इसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, यानी सर संडे छुट्टी कह रहे हो तो यानी महीने में चार संडे आएगा तो चार छुट्टी मिल गई वो एग्री करते हैं इसके अलावा अगर हमें इमरजेंसी में काम पड़ जाता है अब जो बीमार तो संडे बोल के नहीं आएगा ना कि एम्प्लॉयर ने छुट्टी दिया है मुझे संडे को तो संडे को बुखार आना चाहिए अगर बीच में बीमार पड़ गए तो उसका क्या प्रोविजन रहेगा वो भी अभी बता दीजिए ऑर्डर ने बोला देखिए इमरजेंसी के लिए छुट्टी के लिए मना नहीं है आप ले सकते हैं राम ने बोला अच्छी बात है आपके जहां जॉब तो करना चाहिए मुझे लेकिन क्या है? इसके तनख्वाह भी काटोगे आप फिर एम्प्लॉयर ने क्या कहा हाँ आपके इसके तनख्वाह काटे जाएंगे बोला फिर छुट्टी किस बात की हुई आप जब सैलरी काट ही रहे हो एम्प्लॉयर ने बोला देखो महीने में चार छुट्टी हम दे रहे हैं और मान लो दो छुट्टी और हो जाती है महीने में किसी कारण से उसका तनखा नहीं काटेंगे अगर दो छुट्टी से और ज्यादा कर लिया आपने सपोज करो दो से ज्यादा कर लिया आपने पांच कर लिया तो हम दो छुट्टी की आपकी तनखा नहीं काटेंगे टोटल आपने पांच किए है ना तो आपके तीन छुट्टी के पैसे कट जाएंगे हर बार मैं छुट्टी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं लीव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो जो यह वाली छुट्टी है ना जो उसने बोला कि दो छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे उससे ज्यादा करोगे तो चार तो वो है ही है और प्लस दिवाली दशहरा वो भी है तो इसका मतलब जो ये दो छुट्टी है ना आपकी इस छुट्टी को कहते हैं हम कैजुअल लीव इस छुट्टी को कहते हैं हम यानी हमारे पास कैजुअल लीव है अब मालिक ने जैसे अनाउंसमेंट करा कि महीने में दो छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे अब कोई भी एम्प्लॉय बीमार हो ना हो बोलेगा यार फायदा क्या दो दिन सो ही जाएंगे घर पे पैसे थोड़ी कटने हैं वो दो दिन छुट्टी करेगा ही करेगा है ना अगर आपको पता चल जाए तीस दिन काम करने और तीस दिन में दो छुट्टी की तनखाही नहीं कटेगी चार वैसे मिल रही है तो आप क्या बोलोगे यार दो हम पच्चीस दिन तो लगातार आ गए छुट्टी तो हुई नहीं दो और मार लेते हैं ऐसे में एम्प्लॉय पता क्या करता है फ्राइडे मारेगा सैटरडे संडे पूरा इंजॉय करेगा फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन काम कुछ ना हो तो एम्प्लॉयर क्या करता है ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर कहता है कि जो दो छुट्टी मैंने आपको दिया है अगर आप इस छुट्टी को अवेल कर लेते हैं अवेल मतलब यूज कर लेते हैं तब तो आपके सैलरी नहीं कटेगा लेकिन आपने छुट्टी का यूज नहीं किया तो हम आपके छुट्टी का पैसा देंगे अब आप बेवजह सोओगे नहीं घर पे यानी आपको तीस दिन की बजाय हम 32 दिन की सैलरी देंगे मान लो आपकी सैलरी तीन हजार रुपए है तो एक दिन की सैलरी कितनी हो गई सौ रुपया तो जब मैंने बोला दो कैजुअल लीव है आपने छुट्टी मारी ही नहीं तो दो दिन तो एक्स्ट्रा काम हो गया तो आपको बत्तीस सौ रुपए सैलरी मिलेगा हाँ दूसरे मंथ में बढ़ाओगे मैं वही बताना चाह रहा हूं अभी तो सर यहां पे क्या समझ में आया आपको बात कि एक तो कैजुअल लीव होता है सर कैजुअल लीव क्या होता है जो हमारे फेस्टिवल और संडे मंडे वीकली हॉलीडेज के अलावा एम्प्लॉयर देता है उस छुट्टी के बदले में हमसे सैलरी नहीं काटा जाता उसको बोला जाता है कैजुअल लीव अगर आपने उस छुट्टी का इस्तेमाल कर लिया तो बोलेंगे अवेल्ड लीव क्या बोलेंगे उसको अवेल्ड कर लिया अगर आपने उस छुट्टी का इस्तेमाल नहीं करा तो ये दो ऑप्शन देते हैं कि आपको पैसा देंगे लेकिन पैसा ऐसा थोड़ी है कि बत्तीस करेंगे आपका चार पांच साल इकट्ठा कर लो उसको यानी इकट्ठे ले लो कम से कम साल भर का इकट्ठा कर लो तो वो क्या करते हैं जैसे मान लो आपका एक महीने का दो दो ऐसे करते 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 आप देखोगे तो बड़ी सारी छुट्टी इकट्ठी हो जाएगी क्योंकि बहुत लोग ना छुट्टी करना ही पसंद नहीं करते बोलते छुट्टी करूंगा तो क्या फायदा है? इससे अच्छा ऑफिस में ही बैठ रहे हैं हम ऑफिस में ही काम कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे होता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑफिस जाके क्या करेंगे छुट्टी ही कर लेते हैं दोनों तरीके के नेचर हैं तो भैया ये सारी छुट्टी क्या होगी आपकी जुड़ती जाएगी इसको बोलते हैं एक्यूमलेटेड हॉलीडे कुछ एक शब्द है जो कि आपके आएंगे इसमें वो चीजें मैं बता रहा है इसको क्या बोलेंगे एक्यूमलेटेड सर अगर आपने इनमें से एक भी हॉलीडेज मान लेते हैं मैं गिन लेता हूं दो चार छह आठ दस बारह चौदह सोलह और अठारह टोटल अठारह दिन हैं आपके ठीक है ना अब ये आपके अठारह दिन आपने यूज नहीं किए तो ये है अन अवेल्ड लीव कौन से हैं अन अवेल्ड या मैं सिंपल शब्द में बोलूं तो अनयूज लीव जिस यू लीव का आपने इस्तेमाल क्या इसके पैसे आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मिलेंगे अगर आपने इसमें चार दिन हॉलीडेज कर लिया है तो ये कौन सा हो गया आपका चार दिन इसमें से आपने लीव ले लिया है तो सर इसमें से चार दिन तो यूज हो गया और बाकी के जो बचे चौदह दिन वो हो गया अनयूज तो यूज को बोलेंगे अवेल्ड अनयूज को बोलेंगे अनअवेल्ड और ये हो गया टोटल समझ में ही बात आपको यहाँ तो कोई दिक्कत है तो यहाँ पे दो तीन शब्द को हमने देखा है सर कौन कौन से दो तीन वर्ड देखा है यूज अनयूज और ऐसा लीव अब जब आपको इस चौदह दिन का आपने यूज नहीं किया तो एम्प्लॉयर आपको पैसा देगा जो पैसा देगा उस पैसे को बोलेंगे छुट्टी जो हमने नहीं करी उस छुट्टी का हमें क्या मिला है पैसा मिल गया इसको एक लॉ के टर्म्स में अकाउंटिंग टर्म्स में कह लो कहा जाता है लीव एनकैशमेंट क्या कहा जाता है तो सर लीव एनकैशमेंट का पैसा आपको मिलता है वो भी सैलरी का हिस्सा होना चाहिए तो जब लीव एनकैशमेंट का आपको पैसा मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे क्योंकि कुछ इंप्लॉई क्या करते हैं इकट्ठे पैसे तब लेते हैं कब लेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे जब मिलता है लीव एनकेशमेंट का पैसा तो ऐसे सिचुएशन में ये सारा का सारा टैक्सेबल नहीं करते यहां पे भी कुछ एग्जिमशन का पार्ट होता है हमारा तो कितना मिलेगा जैसे होता है ना लोअर ऑफ इसमें से होगा तो वो लिमिट पढ़ेंगे तो पहले आपने यहां देखा आपका अवेल्ड लीव क्या है अन लीव क्या है टोटल लीव क्या है लीव एनकेशमेंट का मतलब क्या है ये समझ में आया बात आपको लीव एनकेशमेंट किसको बोला जाएगा अब बात आती है कि एक एम्प्लॉयर जो है वो कितनी छुट्टी मैक्सिमम दे सकता है तो सरकारी रूल गवर्नमेंट और लॉ कहता है भैया आप साल में तीस छुट्टी से ज्यादा नहीं देंगे रूल कहता है थर्टी हॉलीडेज से ज्यादा आप साल के नहीं दे सकते एक एम्प्लॉय को एक्सक्लूडिंग संडे मंडे छोड़ के ठीक है ना तो एक्सक्लूडिंग थर्टी हॉलीडेज अब एम्प्लॉयर बोलता है मैं तो अपने एम्प्लॉय को पैंतालीस दूंगा आप क्या कर लोगे तो बोला गया उसका अलग प्रोविजन करेंगे हम उसके लिए अलग यानी एज पर गवर्नमेंट रूल कंपनी को अलाउड है कि अपने एम्प्लॉ को कितनी हॉलीडेज दो ईयरली थर्टी अगर थर्टी से ज्यादा होगा तो उसका अलग ट्रीटमेंट या अलग रूल करेंगे एक मैं साधारण सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे मैं बस ये पूछना चाहूंगा कि क्या यूज है अनयूज है ठीक है ना कुछ एक पॉइंट पूछूंगा अगर ये पॉइंट समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं बचेगा फिर तो चलिए सर मान लेते हैं मेरा टोटल था टोटल था 370 दिन जिसमें से मैंने यूज कर लिया 70 दिन और ये जो 370 दिन है एज पर गवर्नमेंट 25 डेज क्वेश्चन समझना ये 370 दिन एक एम्प्लॉय का जो हॉलीडेस है इकट्ठा हो चुका है कितने दिन 370 दिन इकट्ठा हो चुका है और जो 370 इकट्ठा हुआ था ना इसे हर साल कितने कितने मिला करते थे 25 25 25 ऐसे करके इसने इकट्ठा कर लिया जिसमें से इसने 70 दिन इस्तेमाल कर लिया है तो अब बताइए यहां पे अनयूज कितने हैं कितने ईयर का मतलब ही नहीं है यानी अनयूज कितना होगा 300 मैं अलग अलग एग्जाम्पल लूंगा अलग अलग तरीके से पूछता एग्जांपल केस बना लेते हैं ये ज्यादा जरूरी है पहले पूछ लेते हैं आपसे नंबर एक तो हो गया मान लेते हैं एक एम्प्लॉय पंद्रह साल फिफ्टीन ईयर जॉब करता है यहां पे ना आपका जो होता है हमारा ईयर नंबर ऑफ ईयर उसे इग्नोर करते हैं फ्रिक्शन वाला पॉइंट को ठीक है ना पंद्रह साल इसने जॉब किया और एज पर रूल इसने एम्प्लॉ को अपने तीस दिन दिए तो टोटल कितने बने सर इसके टोटल बनेंगे पंद्रह साल और हर एक साल कितना मिला होगा तीस तो चार सौ पचास जिसमें से इसने यूज कर लिया जिसमें से इसने यूज कर लिया मान लो थर्टी फाइव डेज थर्टी फाइव डेज इसने यूज कर लिया मुझे चाहिए अनयूज अनयूज चाहिए तो बताइए क्या आएगा अनयूज चार सौ पंद्रह अभी छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको लगेगा पता नहीं क्या मजाक चल रहा है एग्जाम्पल नंबर टू थ्री मान लेते हैं आपका एम्प्लॉ सिक्सटीन ईयर जॉब करता है वो सिक्सटीन ईयर उसका रूल के हिसाब से थर्टी डेज है ठीक है उसने अनयूज अनयूज कर रखा है टू मंथ आपको निकालना है यूज डेज ठीक है ना चलिए यूज डे कितना होगा कोई बता सकता है चलो आपको निकालने का मौका दिया जाता है रूल के हिसाब से तीस दिन दिए उसने छुट्टी यूज आपने कर लिए दो महीने अनयूज कितने हैं दो महीने अनयूज मतलब जितना इस्तेमाल नहीं किया दो महीने अब दो महीने का मतलब साठ दिन टोटल साठ दिन उसने इस्तेमाल नहीं किया तो आप मुझे बताइए कितना यूज कर चुका होगा मैं क्लियर लिख देता हूं और आप निकालिए रजिस्टर पे फिर मैं भी करूंगा कितना उसने हमें निकालना है यूज डे बताइए बच्चे कह रहे हैं जवाब में आंसर 420 चलिए सभी बच्चे 420 जवाब दे रहे हैं लाइव क्लास में भी ऑफलाइन भी एक बार बता भी देते हैं टोटल जो हमारा बनेगा ना वो 30 मल्टीप्लाई बाय सोलह यानी 480 जिसमें से अनयूज यूज कितने हैं यूज जो है वो है टू मंथ यानी दैट इज 60 तो बाकी आ गया अन नहीं, यूज आएगा ना बाकी क्या आ जाएगा यूज ये अनयूज है ये अनयूज है तो बाकी आ गया फोर ट्वेंटी यानी सर आपको इस वाले एग्जाम्पल में मैंने यूज दिया तो आपने अनयूज निकाल लिया इस वाले एग्जाम्पल में अनयूज दिया तो आपने क्या निकाल लिया यूज निकाल लिया कोई समस्या यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी चलिए एक और एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फोर एम्प्लॉय का जॉब है फिफ्टीन ईयर और रूल के हिसाब से इसे फोर्टी फाइव डेज मिले हैं हर साल तो सर रूल को ब्रेक कर दिया मतलब उसने ज्यादा दिया है फोर्टी फाइव डेज अब यहां पे इसने यूज जो किया हुआ है यूज किया हुआ है इसने मान लेते हैं वन फिफ्टी डेज पहला क्वेश्चन इसको मैं दो पार्ट में करूंगा धीरे धीरे आप मुझे बताइए अनयूज क्या होगा बताइए अनयूज कितने अनयूज देखते हैं लाइव क्लास में भी कितने बच्चे बता रहे हैं जितने बच्चे लाइव क्लास में हैं सभी बताइए 525 सुहानी का जवाब संचित का जवाब 525, 525 सभी बच्चों का जवाब 525 सर एक बार 525 मुझे कैलकुलेशन समझाइएगा टोटल क्या था टोटल क्या था सर 45 फाइव इंटू में फिफ्टीन कितने आए सिक्स सेवन फाइव आया आपने इसमें से लेस कर दिया क्या यूज्ड यूज कितना बना कितने 150 आपने बताया कितना कितने 525 आपने बताया 525 इस तरीके से बताया मैंने कहा था गवर्नमेंट 30 दिन ही अलाउड करता है अगर 30 दिन से ऊपर है तो अलग होगा आपको पता नहीं था तो मुझे मैं भी आपकी जगह होता यही आंसर देता आपने भी दिया लेकिन रूल के हिसाब से ये आंसर ना आपका गलत हो जाता है क्यों होता है सर गलत अभी समझ लेते हैं जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए ना तो आपको ना तीस दिन के हिसाब से ही टोटल निकालना पड़ेगा आपको टोटल जो निकालना पड़ेगा तीस दिन के हिसाब से चलिए मैं करके बताता हूं क्या है इसका क्या आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए सर इसका आंसर होना चाहिए आंसर टोटल जो निकालेंगे ना हम टोटल निकाला जाएगा पंद्रह गवर्नमेंट के रूल से ही चलना है यानी कितने हो गए 450 अब यहां पे यूज कितने हो गए यूज कितने हो गए 150 तो जवाब यहां पे सर आपका है 300 समझ में आया सर पहले जो था वो कितना आ रहा था आपका 500 अब जो एक्चुअल है अब लोगे ऐसा क्यों करा अभी एग्जांपल देखेंगे ना वहां समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों करा तो पहले से आपके अनयूज क्या हो गए आपके पहले से अनयूज क्या हो गए कम हो गए या ज्यादा हो गए पहले आपने बताए थे 500, अब हो गए 300, तो कम हुए तो जितना कम होगा उतना एग्जेपन क्या मिलेगा आपको कम गवर्नमेंट ने बोला भैया एग्जेम्पन लेने के लिए ये करेंगे हम अभी देखेंगे ठीक है एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए आप सर एम्प्लॉ जो है वो जॉब करता है 18 साल यूज लीव और यूज को क्या बोल देते हैं हम अवेल्ड लीव भी बोल सकते हैं यूज लीव सेवन मंथ सेवन ज्यादा हो गया सेवन मंथ अनयूज टू मंथ अनयूज कितने हैं टू मंथ यूज कितने हैं सेवन मंथ आपको निकालना है एज पर रूल अनयूज और जो रूल के हिसाब से ये पैंतालीस दिन दे रहा है आपको निकालना है अनयूज देखो सर बोलोगे सर अनयूज निकालने के बोल रहे हो कैसे बातें कर रहे हो अन तो दे ही रखा है दो महीने फिर भी आप बोल रहे हो अन निकालो लेकिन ये अनयूज दे रखा है पैंतालीस दिन के हिसाब से आपको किसके हिसाब से निकालना है रूल थर्टी डेज के हिसाब से इसका आंसर बताइए क्या आएगा क्या रहे और चलिए आंसर निकालें आंसर निकाले ठीक है सर एस पर रूल टोटल जो होगा सर वो होगा हमारा थर्टी मल्टीप्लाई बाय एटीन दैट इज फाइव फोर्टी अब माइनस में कर देंगे कितना यूज किया है यूज जो किया है उसने सेवन मंथ यानी सेवन मल्टीप्लाई बाय थर्टी दो सो नहीं हाँ दो सौ दस बचे कितने तीन सौ ये है हमारा अन यूज ये क्या है हमारा अनयूज है वो तो भैया में टैक्सेबल हो जाएगा अभी देखेंगे ना एग्जांपल पता चल जाएगा तो पहले अभी मैंने कुछ नहीं सिखाया आप ये मत सोचिए कि इसमें से कहा क्या जाएगा बस आप इतना सोचिए कि ये पार्ट सर यूज्ड कैसे निकाले अनयूज नॉर्मली आप क्या करते यहां पे अनयूज पूछा था तो अनयूज यहाँ पे ऑलरेडी दो महीने दे रखे हैं जो कि कितना निकल के आ जाता है आपका और वैसे देखा जाए तो दो महीने कम मैंने मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सा देखो मैंने जल्दबाजी में लिया तो हो सकता है ऊपर नीचे सटीक ना बैठ रहा हो टोटल करने में वैसे तो पैंतालीस इंटू में अठारह कितने महीने हो जाते हैं हमारे पाँच सौ पैंतालीस इंटू में अठारह डिवाइडेड बाई थर्टी तो सत्ताईस महीने होते हैं तो इसको बीस महीने कर देना चाहिए था मुझे तो अब बिल्कुल सटीक हो जाएगा ठीक है ना तो बीस सात हो गया तो वैसे अनयूज कितने आएंगे दो बीस इन टू में तीस छे सौ बन रहे है ना जबकि यहां पे कितने बने हमारे तीन सौ तीस बने क्लियर है आपको अब हम इसके रूल पे जाते हैं क्या रूल है चलिए सर लीव एंड एन सेक्शन टेन सबसेक्शन टेन डबल ए देखिए चलिए लीव एनकेचमेंट की बात करें या तो आप ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द जॉब यानी आपने ड्यूरिंग द जॉब रिसीव कर दिया सर ड्यूरिंग द जॉब कैसे रिसीव कर सकते हैं ये बताओ मान लो आपकी आपने एक महीने का एक साल को आपको पैंतालीस दिन की सैलरी मिलती है दो साल आपने नहीं मांगा मालिक से दो साल में आपके नब्बे दिन हो गए तीसरे साल बोला आपने सर बारह महीने की सैलरी तो ले ही चुका हूं तीन महीने की और दे दो जो नब्बे दिन का लीव एनकेचमेंट पड़ा हुआ है मेरा वो दे दो उसके बाद भी आप फर्दर जॉब करते रहे तो ड्यूरिंग द जॉब अगर आप लीव एनकेचमेंट कराते हो तो आपका फुल्ली टैक्सेबल है इसमें कोई आपको एग्जेपन नहीं है सर दूसरा हो सकता है आप आफ्टर रिटायरमेंट कराओ आफ्टर रिटायरमेंट आपने आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव किया हो दूसरा पॉइंट यह हो सकता है अगर आप आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव करते हो तो आपको एग्जेंशन मिल जाता है लिस्ट ऑफ एक्चुअल received actual received or exempt lower of exempt lower of actual receive point number two मैक्सिमम लिमिट तीन लाख मैक्सिमम लिमिट पता है कितना है तीन लाख ,00 है वहां पे बीस लाख ,00 था यहां पे कितना है तीन लाख पॉइंट नंबर थ्री टेन इंटू में एवरेज सैलरी जो भी आएगा मैं यहां पे क्रॉस लगा देता हूं जो भी आता है ठीक है नंबर चार अकेला एक ऐसा प्रोविजन यह है जहां पे चार लिमिट चेक करने होते हैं हर जगह देखा हमने दो भी देखा तीन भी देखा यहां पे कितनी लिमिट आ गई चार आ गया चार में होता है हमारा अनयूज लीव डिवाइडेड बाय थर्टी इन में एवरेज सैलरी इन टू में एवरेज सैलरी तो अभी तक जो हम दिमाग लगा रहे थे ना अनयूज 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 सिर्फ इस पॉइंट में क्योंकि यहां पे अनयूज डेज पता करना होगा डिवाइडेड बाय तीस तो है इन टू में एवरेज सैलरी सर यहां पे सैलरी का मतलब बड़ा ही अलग है यहां पे सैलरी का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है सर सैलरी का मतलब वही दस महीने रहेंगे नोट यहां लिख दे नोट नोट सैलरी का मीनिंग बेसिक प्लस में डीए रिटायरमेंट प्लस में फिक्स परसेंटेज कमीशन परसेंटेज यानी वही एच आर ए वाली बात ठीक है ना सैलरी का मतलब सर यहां एवरेज का मतलब क्या है टेन मंथ सैलरी टेन मंथ सैलरी यहां पे एवरेज का मतलब क्या है सर दस महीने की सैलरी सर ये दस महीने की सैलरी कहीं और भी सुनी सुनी है कहां पे लेते थे ये एवरेज सैलरी बताओ और किसमें दस एवरेज सैलरी कहीं और भी हमने लिया था बताइए एवरेज सैलरी कहां पे लिया था कुछ बच्चे कह रहे हैं पेंशन में तो मुझे टेंशन हो रही है अब तो एवरेज सैलरी कहाँ लेते थे भाई आपको क्लास नोट्स वगैरह मिल रहे हैं नहीं मिल रहे आपका था हाँ बच्चे तो अभी सिमरन भी कह रही है पेंशन में पेंशन में कहा था ग्रेजुएटी के अंदर था एवरेज सैलरी वाली कहानी और अनकवर्ड में नॉट कवर्ड में तो दो जगह एवरेज सैलरी इस्तेमाल हुआ है पूरे सैलरी चैप्टर में एक होता है हमारा लीव एनकैशमेंट में एक होता है हमारा पे ग्रेजुएटी अनकवर्ड में ध्यान रखना है ये बातें अब तो मुझे डेली लगता है टेस्ट भी लेना पड़ेगा अगली क्लास से हर बच्चे को उठा के मैं सारे प्रोविजन पूछ लूंगा जितने भी करवाएं अभी तक सारा एच आर ए से लेके अभी तक का तो याद होना चाहिए सारा प्रोविजन ठीक है अब चलिए अब देखिए एवरेज का मतलब क्या है दस महीने अब ध्यान दीजिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो बच्चे समझते नहीं है कई बार और एग्जाम में गलती कर देते हैं और फिर परेशान रहते हैं लॉ क्या कहता है दो वर्ड है लॉ कहता है ग्रेजुएटी के टाइम पे एवरेज सैलरी में कहता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ यानी जिस दिन रिटायर हुए हो उससे पिछले महीने से लो एवरेज पर लीव एनकेचमेंट में कहता है इमीडिएट डेट ऑफ रिटायरमेंट जिस दिन रिटायर हुए हो उससे दस दिन पहले दस महीने पहले लो तो मैं दोनों लाइन खींच देता हूं इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा के कंपेयर भी करा दूंगा आपको ये लाइन मैं बना रहा हूं किसके लिए सर ये वाली लाइन बना देता हूं मैं आपके ग्रेजुएटी के लिए टेन टेन ये ग्रेजुएटी के लिए बना दिया सर ग्रेजुएटी में क्या कहता है अगर मान लेते हैं जो व्यक्ति है व्यक्ति रिटायर हो रहा है दस एक दो हजार बाईस में दस एक दो हजार बाईस में तो इसका जो एवरेज निकालेंगे वो स्टार्ट होगा जनवरी में रिटायर हुआ तो जनवरी छोड़ दो कहां से स्टार्ट होगा इसका दिसंबर फिर इसका क्या चलेगा नवंबर फिर अक्टूबर अब आप तो समझ ही सकते हो सोन पीछे जाओगे दस महीने सितंबर जो भी अगस्त जुलाई जून वो भी ठीक है अब दूसरी हम बात करते हैं ये लाइन बना देता हूं मैं आपके ये बना देता हूं मैं लीव एंड कैशमेंट और ये क्वेश्चन एग्जामिनर देता है जानबूझ के ये सर टेक्स टेन डबल ए कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दिए ना नंबर गए आप बस बोलते रहोगे सर कैपिटल को स्मॉल ही तो किया लेकिन एग्जामिनर बोल देगा बस हो गया वो थोड़ा और नीचे कर दें इसको चलिए अब मान लो हम रिटायरमेंट की बात करें ये जो रिटायरमेंट होता है अगेन दस एक दो हजार बाईस को एग्जाम्पल अब इसका जो दस महीने इसमें बड़ा समस्या है इसमें बोला गया जिस टाइम रिटायर हो उससे पिछले महीने से दस निकालो इसमें बोला गया लीव कैशमेंट में जिस दिन रिटायर हो उस दिन से यानी इसका एक महीना कहां काउंट होगा पता है दस एक दस बारह दो हजार बाइस यानी इसका रिटायरमेंट जो काउंट होगा वो इसी दिन से यहां काउंट हो जाएगा हा दस दिन का अलग करो और बाकी महीने महीने का ले लो लास्ट में दस दिन का देख लेना यानी पहले आप देखो दोनों का शब्दों में क्वेश्चन में कराऊंगा तो समझ में आ ही जाना है शब्दों में फर्क देखो ग्रेजुएटी में कहता है जिस दिन महीने रिटायर हुए जिस महीने रिटायर हुए वो महीने छोड़ दो उससे पिछले महीने से मान लेते हैं ये जनवरी में रिटायर हो रहा है तो आप दिसंबर से दस महीने काउंट करोगे लेकिन इसमें अगर ये जनवरी से रिटायर हो रहा है तो जनवरी का भी लोग एक और एक देखो मान लो इसको मैं रिटायरमेंट करता हूं जनवरी को दो हजार बाईस इसकी जनवरी में जो सैलरी थी ना वो थी आ, सत्तर हजार रुपये और जनवरी महीने में ही बढ़ के मिला था इसको और इसकी भी सैलरी थी सत्तर हजार रुपए जो कि जनवरी महीने में बढ़ के मिला था कितना बढ़ा था सर पांच हजार रुपए बढ़ा था मैं एक साधारण सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर जनवरी महीने में ही इसकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई और जनवरी में ही रिटायर हो गया और सत्तर हजार सैलरी और पांच हजार बढ़ के मिले तो मुझे बताइए दिसंबर, दिसंबर में क्या रही होगी सिक्सटी फाइव तो इसका जब एवरेज सैलरी निकालेंगे तो पिछले दस महीने जाएंगे जिस महीने रिटायर हो रहा है उसको छोड़ दो यानी इसका दस महीने आएगा सिक्सटी फाइव से लेकिन इस वाले में जब निकालेंगे तो सेवेंटी भी आएगा और नौ महीने का सिक्सटी फाइव आएगा तो दोनों में पहले लॉजिकली समझो कि दोनों में लॉ मेकर क्या कह रहा है एक कह रहा है है कि रिटायरमेंट वाले डेट में क्या कहता द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्रीसीडिंग द मंथ मतलब मंथ के पिछले और लीव एनकैशमेंट में कहता है इमीडिएटली द डे ऑफ रिटायरमेंट वहां पे वर्ड इस्तेमाल है डे ऑफ रिटायरमेंट तो सर जिस दिन रिटायर हुए उसी दिन से चालू हो गया पिछला और एक बोलता है कि जस्ट प्रीसीडिंग द मंथ तो जिस महीने रिटायर हो रहे वो महीना रिलैक्स उससे पीछे स्टार्ट हो गया पहले आप दिखाइए सभी ने दिया बिल्कुल सही पैंसठ बताइए पहले ये बात समझ में आई बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मेरे पास आपकी किताब में भी है ग्रेजुएटी के तो मैंने कराया एवरेज सैलरी वाला कराया एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा जिसके अंदर वो भी दिखेगा आपको किताब का ही क्वेश्चन जिसमें समझ में आ जाएगा बताइए कोई डाउट है यहां तक कोई डाउट है तो आगे चलें हो रही है ना बारिश तो रुक गई है अभी होने दो बारिश अभी तो बताइए डन एक क्वेश्चन देख ले इस पर देखो जब क्वेश्चन नहीं देखोगे तो मजा कोई नहीं आता इसमें देखिए जी क्वेश्चन <laughs> चलिए क्या कहता है क्वेश्चन में आपकी किताब का क्वेश्चन है कहता है ई एन एम्प्लॉय एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड सरकारी एम्प्लॉय है नहीं रिटायर फ्रॉम द कंपनी तीस ग्यारह दो हजार एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट रिसीव वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड लीव सैलरी यानी इसको एक्चुअल पॉइंट चार पॉइंट लिख लेते हैं यहां पर एक पॉइंट दो पॉइंट पहला पॉइंट एक्चुअल सर एक्चुअल रिसीव कहता है एक लाख चौवालिस हजार ठीक है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर द फॉलोविंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉय कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितने रुपए नौ हजार रुपए कोई बात नहीं जी टाइम पीरियड सर्विस ईयर मंथ तो तो भैया महीने इसके अंदर इग्नोर फ्रिक्शन कर देते हैं हमेशा लीव एंड कैशमेंट मिला है एक चौवालीस ऊपर तो ही बोल रहा था नीचे दोबारा उसी को रिपीट करके बोल रहा है ये सिर्फ हमें कंफ्यूज कर रहा है ऊपर वाली बात इसने रिपीट कर दी कहता है लीव अवेल्ड अवेल्ड का मतलब यूज फोर्टीन मंथ इसने यूज कर लिए हैं ठीक है सर मैं यहां पे यूज लिख देता हूं सिंपल शब्द में लिख दू यूज है फोर्टीन मंथ तो सर महीने में तीस तो 420 दिन कह रहा है ये घुमा फिरा के मोटी मोटी बातें कहें तो यही कह रहा है ना ये वाली लाइन तो आगे देखते हैं बैलेंस अन अवेल्ड लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कुछ ऐसे लीव है जिसको उसने यूज नहीं किया अन अवेल्ड अन अवेल्ड का मतलब अन यूज सर कितने महीने सोलह महीने तो मोटी मोटी बात कहें तो यह कहना चाहता है सर चार सौ अस्सी दिन अनयूज है ओके कहता है एवरेज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फेब टू नवंबर 14 मतलब 10 महीने का ही बता रहा है अब गिन लेना 88 तो एक टेंशन खत्म हमें एवरेज निकालना नहीं है इसमें तो एवरेज सैलरी दे दिया इसने लीव एंटायर्ड जो इसे लीव मिलेगा कहता है कि भैया एम्प्लॉयर बोलता था कि आपको डेढ़ महीना हर साल लीव देंगे यानी एम्प्लॉयर इसका जो लीव दे रहा था वो 1.5 पॉइंट फाइव मंथ इन टू में तीस यानी एम्प्लॉयर कह रहा था 45 दिन की हम छुट्टी देंगे हर साल आपको गवर्नमेंट कह रहे हैं तो क्या हुआ यहां तक समझ में आया अब बात आती है पॉइंट नंबर टू मैक्सिमम लिमिट तीन लाख कहता है कंप्यूट द अमाउंट टैक्सेबल लीव एंड कैशमेंट ठीक है निकाल देंगे तीसरा पॉइंट क्या कहता है टेन गुना में एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी क्वेश्चन में दे रखा है तो टेन मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी कितने दे रखे हैं ओहो एट वो तो सैलरी था तो अठासी हजार ठीक है दिखाएं आपको देखिए दस इंटू में एवरेज सैलरी ठीक है अब अगला था हमारा चौथा पॉइंट जो सबसे भारी पॉइंट है अनयूज लीव सर अनयूज तो दे रखा है चार सौ अस्सी लेकिन आपको याद दिलाए क्या अनयूज जब दे रखा था आपको बीस महीने तो हमने क्या अनयूज निकाला था या इसी का इस्तेमाल कर लिया था क्यों निकाला क्योंकि रूल के बियन चला गया अगर यह बोलता ना यह सारा कामकाज 30 तीस दिन के हिसाब से है तो यही रहता अनयूज लीव हमें कुछ करना ही नहीं था समझे बात आप तो सर हमने निकाला था तो इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में भी निकालना पड़ेगा तो अनयूज निकालते हैं तो सबसे पहले रूल के हिसाब से टोटल देख लेते हैं सर टोटल रूल के हिसाब से कितने साल काम 20 साल तो 20 साल रूल के हिसाब से 30 दिन और 600 बनते हैं इसमें माइनस कर देते हैं यूज तो यूज क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है यूज है चार बीस तो अब हमने निकाला अनयूज कितने आए वन एट्टी चौथा पॉइंट क्या कहता है सर चौथा पॉइंट कहता है अनयूज लीव डिवाइडेड बाई थर्टी तो अनयूज कितने हैं डिवाइडेड बाई क्या होगा और इन टू में एवरेज सैलरी अब मुझे एक बात समझाइएगा इनमें से जो कम होगा इनमें से जो कम होगा वो एग्जेम्ट हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर जितना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ाता जाऊंगा तो ये ज्यादा आएगा या कम आएगा और जब इसमें से ज्यादा आएगा तो उसके हिसाब से लोएस्ट वो बन जाएगा ना मान लो ये लोएस्ट बन रहा था लेकिन अगर मैं यहां ज्यादा बढ़ाऊंगा तो ज्यादा आ जाएगा अभी करके भी दिखाऊंगा इसको मल्टीप्लाई करके बताइए क्या रहा है एक लाख बाईस हजार छ बावन आठ सौ सिर्फ बावन आठ सौ सही बता दो अभी एक लाख पता नहीं क्या बता दिया आपने मुझे कितना आ रहा है ये जी रूल के हिसाब से जो इनमें से लोअर होगा वो क्या मिल जाएगा हमें एग्जेम्पन ठीक है चलिए जी एग्जेपन महीने को इग्नोर नहीं मैंने बोला ना महीने को इग्नोर यही तो कह रहा हूं मैं मंथ को इग्नोर इग्नोर फ्रैक्शन ठीक है चलिए क्वेश्चन ने कहा कि लीव टैक्सेबल बता दीजिए टैक्सेबल अगर मैं आपको बताऊं दबाते हैं बताते हैं इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं है ना छोटा कर देते हैं दिखना तो है ही है समझ में तो आ ही गया चलिए इसको ले जाते हैं साइड में ओहो ये टेंशन है इसमें चलिए यहां पे करता हूं ठीक है अब ध्यान दीजिएगा यहां कर देते हैं ध्यान दीजिएगा अगर देखा जाए तो इसमें एक, इसने पूछा क्या कंप्यूट द अमाउंट टैक्सेबल लीव एंड कैशमेंट तो सर लीव एंड कैशमेंट सर एक लाख चौवालीस हजार है ना लेस कर देंगे एग्जेम्ट बावन हजार बैलेंस विल बी टैक्सेबल कितना टैक्सेबल नाइन्टी वन समझ में आया ये पहले अब देखो मैं समझाना ये चाहता हूं सर ये जो पैंतालीस दिन पे इसमें क्या आपने कैलकुलेशन डाला मान लो गवर्नमेंट ये तीस दिन वाली बात नहीं कहता तो क्या होता अगर गवर्नमेंट तीस दिन वाली बात नहीं कहता तो क्या होता मैं अलग से करके दिखा रहा हूं मैं यहां पे आपको चलिए अगर नहीं होता तो आप क्या करते सर यहां पे एक सौ अस्सी के बजाय आप लेते चार अस्सी डिवाइडेड बाई तीस ही रहता और इनटू में अठासी सौ रहता तो बताइए कितना आ रहा है कैलकुलेट करके एक चालीस सर एक चालीस आठ सौ होता तो एग्जामेशन अगर इसमें निकालते हैं, लीव वाला तो कितना होता एक चौवालीस मिला और माइनस कर देते एग्जेम एक चालीस आठ सौ तो कितना टैक्सेबल होता बत्तीस सौ तो गवर्नमेंट का तो नुकसान हो जाता है यहाँ पे यानी आपकी इनकम इस वाले सिचुएशन में कम टैक्सेबल होता और इस वाले में कितना हो रहा है ज्यादा हो रहा है तो अब कई बार ऐसा होता ना एम्प्लॉयर पता है क्या करता झूठ बोल देता के, या फिर इंप्लॉय झूठ बोल देता हमें तो भैया लीव मिला हुआ है और यह अनवेल लीव था हमारा दो सौ था 1000 क्या करोगे हमारा तो देता था भैया साल में दो महीने छुट्टी हमारा इम्प्लॉय साल में देता था चार महीने की छुट्टी तो जितना ज्यादा आपका अनवेल बढ़ेगा उतना बड़ा अमाउंट बनेगा और मान लो इन तीनों से अगर ये वाला अमाउंट बड़ा बन गया तो फुल्ली एग्जेप हो जाएगा ना उसका आप तो जाके क्या बोल दोगे मेरा एम्प्लॉयर पहले अवेल निकाला हमने सब कुछ निकाला टैक्सेबल बन रहा है टैक्स प्लानिंग में क्या कहोगे मेरा एम्प्लॉयर साल के देता है हजार छुट्टी और हाँ लोअर लेंगे ना तो लोअर तो आपका देखोगे तो लोअर तो हमेशा एक्चुअल कोई ना कोई तो लोअर होगा वो एक्चुअल रिसीव भी आ जाएगा अब यहां पे हालांकि इन्होंने टेन मंथ का दे रखा है एवरेज लेकिन मैक्सिमम टाइम पे आपका लोअर देखोगे ना तो ये ज्यादा ही आएगा अभी लोअर मैक्सिमम टाइम तक ये आएगा अभी लोअर ये आएगा क्योंकि तीस दिन का रिस्ट्रिक्शन पे चल रहे हैं अगर ये नहीं होता तो अभी भी देखो मैंने थोड़ा सा गलत निकाल दिया ये ना गलत हो गया क्यों गलत हो गया सर इन तीनों में से क्या देखेंगे हम लोअर तो यहां पे कितना माइनस करना होता सर कुछ बच्चे यही साइज बोल रहे हैं कमेंट में सर ये आएगा तो ये अठासी लेना होता तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वैसे मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है तो मेरा बस बताने का मुद्दा है गवर्नमेंट टैक्स को इनकम को बढ़ाना चाहता था इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल में क्या रखा है कि एम्प्लॉयर आप एम्प्लॉई को जितना मर्जी भी छुट्टी दे दें जितना भी दे दें हमें मतलब नहीं है लेकिन जब लीव एनकेशमेंट निकालेंगे तो हम तीस दिन के हिसाब से अनयूज निकालेंगे उसकी बात खत्म तो इसका मतलब आपका ये वाला पॉइंट तो नहीं होगा इसे हटा दिया जाए ताकि क्योंकि बाद में बच्चे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं और वो सिर्फ नोट करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे समझ में आया है? लीव एनकेचमेंट किसी को दिक्कत आपकी किताब में भी दे रखा है ये क्वेश्चन किताब का ही क्वेश्चन है नंबर भी मैंने नहीं हटाया हो सकता है पुराना टाइम का देखो ईयर हाँ तो पुराने टाइम का मैंने अपडेट नहीं किया अभी चलिए किसी को दिक्कत है अभी तक तो सर हमने लीव एनकेचमेंट करा है अभी